हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय एयरटेल शेयर के बारे में, यानी कि एयरटेल के शेयर के बारे में। और दोस्तों, अगर आप आज के दिन देखेंगे तो एयरटेल के शेयर में हमें एक मामूली सी गिरावट देखने को मिली, जो कि 10 पैसे के करीब थी। और ये गिरावट के पीछे कुछ ऐसा कारण तो नहीं है दोस्तों, यहाँ पे हाई ट्रेड या लो डिमांड के वजह से कुछ ऐसा हुआ है। और दोस्तों, इससे रिलेटेड एक अच्छी न्यूज़ आ रही थी, वही आपसे शेयर करना था, और इसीलिए आज का वीडियो हम लाए हैं भारतीय एयरटेल के शेयर से रिलेटेड। दोस्तों, अगर आप भारतीय एयरटेल शेयर को फॉलो कर रहे हैं या आप इसमें इन्वेस्टर हैं, तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। बट उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे आके देखेंगे तो हम आपके लिए शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का एक स्मॉल वीडियो, जो कि भारतीय एयरटेल के शेयर प्राइस से रिलेटेड है। दोस्तों, अगर आज आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो भारतीय एयरटेल के शेयर में हमें एक मामूली सी गिरावट देखने को मिली। और फिलहाल इसके शेयर का प्राइस अगर हम देखें तो 593.85 रुपीज़ के आसपास है। दोस्तों, ये प्राइस 17 फरवरी का है, अगर आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे तो एज ऑन 17 फरवरी 2021 14:16:01, यानी कि 4:01 का दोस्तों ये प्राइस है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे भारतीय एयरटेल में हमें एक छोटी सी गिरावट देखने को मिली। बट दोस्तों, इससे रिलेटेड एक अच्छी न्यूज़ आ रही थी, जिसे हमें आपसे शेयर करना था। और अगर आप ये न्यूज़ पढ़ पा रहे होंगे तो मनी कंट्रोल के द्वारा ये न्यूज़ है, और इस न्यूज़ में सिंपली लिखा है, एयरटेल टू बाय बैक 20% स्टेक इन अ भारतीय टेलीमीडिया फ्रॉम अ वावक पिनकस फॉर ₹3,126 करोड़। दोस्तों, एयरटेल 20% स्टेक अपने बायबैक कर रहा है, और वो भी वॉरबैक पिनकस से। अगर हम देखें तो इस न्यूज़ से रिलेटेड अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो द वॉरबैक पिनकस एफिलेट हैड एक्वायर्ड 20% इक्विटी स्टेक इन भारतीय टेलीमीडिया इन 2018 एंड आफ्टर दैट अनाउंसमेंट ऑफ अ डील इन दिसंबर 2017। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो भारतीय एयरटेल का जो कि दूसरा सब्सिडियरी है वो भारतीय टेलीमीडिया है, और उसमें अगर हम देखें तो 20% स्टेक वारबक पिनकस ने बाय किया था 2018 में, बट उसे अब बायबैक कर रही है एयरटेल। और इसी से रिलेटेड यहाँ पे पूरी न्यूज़ दी गई है, अगर आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे तो एयरटेल भारतीय एयरटेल ऑन वेनेसडे सेड इट विल एक्वायर 20% स्टेक इन इट्स डीटीएच आर्म भारतीय टेलीमीडिया फ्रॉम एन एफिलिएट ऑफ अ वॉरबैक पिनकस फॉर अबाउट 3,126 करोड़ रुपीज़। द वॉरबैक पिनकस एफिलिएट हैड एक्वायर 20% इक्विटी स्टेक इन भारतीय टेलीमीडिया इन 2018 आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द डील इन द 2017। द ट्रांजेक्शन विल डिस्चार्ज प्राइमरली वाया इशुएंस ऑफ अबाउट 3.6 करोड़ इक्विटी शेयर्स। दोस्तों, यहाँ पे 3.64 इक्विटी शेयर्स एक्सचेंज होंगे, जो कि ₹600 पर शेयर के हिसाब से तय किए गए हैं। और इसे अगर हम देखें तो ये भारतीय एयरटेल के लिए काफ़ी अच्छी बात है, भारतीय एयरटेल बायबैक कर रहा है। और दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर मैं आपको इनके फाइनेंशियल रिजल्ट में लेके आऊँ इस बार का, तो Q3 में अगर आप देखेंगे तो इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। आप यहाँ पे सेल में देखेंगे तो इनको 26,517 करोड़ रुपीज़ के आसपास का सेल हुआ है, जिसमें नेट प्रॉफिट दोस्तों अगर हम देखें तो 1,570 करोड़ रुपीज़ का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर हम देखें तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में इन्हें लॉस ही हो रहा था, बट इस क्वार्टर में इन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, और ये इनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में लाना चाहूँगा, और अगर आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो शेयर होल्डिंग में इनका काफ़ी अच्छा है, 56.23% इनके शेयर प्रमोटर्स के पास है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम देखें तो पब्लिक का यहाँ पर बहुत ही कम इशू है, जो कि 4.18% के आसपास है। यहाँ पे ये भी हमें देखने की बात है कि यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इंडियन इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छे मार्जिन में है। दोस्तों, ये एक शेयर काफ़ी अच्छा शेयर माना जा सकता है। अगर आप मनी कंट्रोल्स के यूजर्स के बारे में देखेंगे तो इस शेयर को 100% बाय के सिग्नल दिया गया है, लेकिन दोस्तों आप इसे ना माने, अगर आप इसके जगह MC टेक्निकल्स को देखेंगे तो यहाँ पे ये अच्छी बात है, ये लोग यहाँ पे इस शेयर को पूरी तरीके से एनालाइज करते हैं, और उसमें अगर हम देखें तो फिलहाल इसकी रेटिंग वेरी बुलिश चल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों, यही न्यूज़ थी भारतीय एयरटेल से रिलेटेड, भारतीय एयरटेल के शेयर से रिलेटेड। और अगर आप देखेंगे तो इसके बाद हमें इसके शेयर में काफ़ी अच्छी बातें देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज का वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमें कमेंट करके आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।